वडोदरा शहर संचालक मंडल के पदाधिकारियों की एक खास मीटिंग का आयोजन आज जिला शिक्षण अधिकारी के दफ्तर में किया गया था। डीओ दफ्तर में आज एक खास मीटिंग रखी गई थी। आपको बता दें कि डीओ के द्वारा यह कहा गया है कि यह मीटिंग इसलिए रखी गई थी क्योंकि इन दिनों अब प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही आज सुबह ऐलान कर दिया है कि यह जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो सस्ता अनाज की दुकान के संचालक है उनको शिक्षकों की मदद पड़ सकती है। ज़रूरतमंद और मध्यम वर्ग के गरीब परिवार है उन तक खाना पहुंचाने के लिए, उन तक अनाज पहुंचाने के लिए जो भी व्यवस्था है उसे और भी ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए और यह तय करने के लिए कि हर एक गरीब परिवार भूखा ना सोए, इसके लिए सस्ता अनाज की दुकानों के द्वारा जो अनाज वितरित किया जा रहा है उसमें सहायता रूप शिक्षकों की भी आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में डीओ दफ्तर के द्वारा यह कहा गया है कि शिक्षक जो हमारे वडोदरा जिला के हैं वो पूरी तरह से जिला प्रशासन के साथ रहेंगे और अपना सहकार उन्होंने दिखाया और कहा कि आने वाले दिनों में इस बारे में जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर से भी बात की जाएगी कि शिक्षण विभाग जो है, शिक्षण विभाग के जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, जो यहाँ पर बतौर शिक्षक काम करते हैं वो भी इस लॉकडाउन की स्थिति में लोगों की सहायता करने में जिला प्रशासन के काम आ सके। ऑफिस में बोलावी एमनी साथ ये चर्चा करी है कि जारे माननीय पीएम साहेबे 21 दिवस लॉकडाउन वधार्यु छे त्यारे गरीब घरना जे व्यक्तिओ है झूंपड़पट्टी में रहता है, मजूरो है कि जेमनी रोजी रोटी अत्यारे चालू नथी, ये लोकोने केवी रीते मददरूप थई शकाय अने एमने राशननी जरूर होय तो राशन अथवा तो एने जमवानी जरूर होय तो एने रसोड़ू तैयार करी अने केवी रीते अने जमवानी व्यवस्था करी शकाय ए माटे अमारा शिक्षणना तंत्र तरफ थी अथवा तो संचालक मंडलना सहयोग थी आ कामगिरी केवी रीते शक्य बनी शके एनी चर्चा आजे अमे करी रह्या छीए अने ए चर्चाने अंते अमे माननीय कमिश्नरशी अने कलेक्टरशीने मळी अने एमनी साथे संपर्कमां रही अने जे कंई सहयोग एमने जोईतो हशे ए प्रमाणेनो शिक्षण विभाग तरफथी सहयोग एमने जिला तंत्रने मळे એ માટે આજે અહીંયા ચર્ચા કરવા માટે અમે ભેગા થયા છીએ।